हेलो गाइस, वेलकम टू अक्षय डांस स्टूडियो। जैसे आपने देखा, आपने फर्स्ट डे में भाई मैंने वो आपको वर्कआउट बताया, तो मैं जो भी स्टेप बताने जा रहा हूँ उससे पहले आप वर्कआउट जरूर कर लीजिएगा भाई, जिससे आप स्टेप करने में आसानी होगी। और अपन को भाई कुछ आता नहीं है, तो अपन जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं बताता हूँ आपको, आज सब कुछ बताऊंगा, कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है, अपन को कुछ नहीं आता भाई तो कैसे सीखना है। तो चलो अपन बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या देरी है भाई, जल्दी से डांस सीखना है अपन को। तो मैं आज आपको बता दूं कि आज अपन 5 बेसिक डांस स्टेप सीखने जा रहे हैं। अपन को कुछ नहीं आता है, अपन को जीरो लेवल से स्टार्ट करना है। तो मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है, और 5 स्टेप्स बताऊंगा आपको, उसको लर्निंग करनी है आपको। जहां तक अपनी नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाती, साथ बताता हूँ मैं आपको 5 स्टेप्स। आज अपन 5 स्टेप्स सीखने जा रहे हैं, तो मैं आपको जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। सबसे पहले अपने राइट और लेफ्ट पैर ऐसे रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, अपने लेफ्ट पैर को यहाँ से इधर रखना है 1, फिर राइट पैर को रखना है 2, फिर लेफ्ट पैर को रखना है 3, फिर राइट पैर को रखना है 4, ठीक है। ऐसे रखते हैं, यहाँ से बेंड होना है, नॉर्मली बेंड होना है ये। फिर यहाँ से क्या करना है, जो अपना राइट वाला पैर है इसको इधर रखना है 1 2 3 4, बेंड। क्या करना है, यहां से अपन को 1 2 3 4 में बेंड होना है, फिर इसके बाद 1 2 3 4 में इधर बेंड होना है, सिंपल यही करना है। फर्स्ट टाइम अपन को एक बार करके बता देता हूं मैं आपको, 1 2 3 4 बेंड, 5 6 7 8 बेंड, ठीक है। अब इसके बाद अपन सीखते हैं सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप में अपन को क्या करना है, सेकंड स्टेप में अपन को सेम वैसे रहना है। क्या करना है, इधर जाना है 1 2 बेंड, फिर वापस से इधर आना 3 4 बेंड। फिर इसके बाद क्या करना है अपन को, 1 2 बेंड हो गया, 3 4 बेंड हो गया, फिर 5 6 में बेंड नहीं होना है, और फिर यहां से 7 8 में बेंड। एक बार फिर से करके बता देता हूं आपको, यहां से 1 2 बेंड, 3 4 बेंड, 5 6 में बेंड नहीं होना है, 7 8 बेंड, ठीक है, ये करना है आपको। अब इसके बाद अपने को 2 स्टेप्स हो गए अपनी, इसके बाद अपन को थर्ड स्टेप में अपन को क्या करना है, थर्ड स्टेप में अपन को यहाँ सामने काइट का आकार बनाना है 1 2 3 4, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे बनाना है, यहाँ से खड़े अपन, यहाँ से इधर रखना है फिर 1 2, फिर यहाँ से यहाँ पे रखना है 3 4, फिर यहाँ 4 पे बेंड होना है, ठीक है। फिर यहाँ से अपना लेफ्ट वाला पैर रखना है पीछे 5, फिर राइट वाला 6, फिर यहाँ से 7 8। तो क्या करना है अपन को, सिंपल इसे यहाँ से अपना पैर राइट वाला चलेगा 1 2 3 4, 4 में बेंड होना है, 5 6 7 8 बेंड, 1 2 में बेंड नहीं होना, 3 4 में बेंड होना है, 5 6 में नहीं होना, 7 8 में बेंड होना है, ठीक है। एक बार करके बताता हूँ मैं आपको, 1 2 3 4 बेंड, 5 6 7 8 बेंड। इसके बाद अपन फोर्थ स्टेप बताने जा रहा हूँ आपको, फोर्थ स्टेप। तो अपन को फोर्थ स्टेप में कुछ नहीं करना है, फोर्थ स्टेप में अपन को बस इसके अपोजिट करना है, जैसा अपन ने आगे किया है थर्ड स्टेप में, वैसा अपन को फोर्थ स्टेप में पीछे करना है, ठीक है। यहाँ से अपन खड़े हैं, तो अपना राइट वाला पैर चलेगा इधर 1, फिर लेफ्ट वाला 2, बेंड नहीं होना है, फिर यहाँ से 3, लेफ्ट वाला चलेगा, फिर राइट वाला 4, बेंड, फिर यहाँ से लेफ्ट वाला 5 6 7 8 बेंड। क्या करना है, 1 2 में बेंड नहीं होना, 3 4 बेंड, 5 6 में बेंड नहीं होना, 7 8 बेंड, सिंपल, वेरी 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 सिंपल, आसानी से कर सकते हैं अपन इन स्टेपों को। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, इसके बाद अपन को अपने 5 स्टेप में बताने जा रहा हूँ, आज की लास्ट स्टेप है, तो बताता हूँ मैं आपको। 5 स्टेप भी बहुत ईजी है, यहाँ से क्या करना है, अपने दोनों हाथ यहाँ पे रखने हैं, ठीक है, और मतलब हाथों हैंड्स को आप कैसे भी यूज कर सकते हो, इस टाइम में मैं बता रहा हूँ, बस यहाँ पे रखना है, ठीक है। यहाँ से अपना राइट वाला पैर यहाँ से राउंड के साथ चलेगा, ये
वन, ठीक है, राउंड के साथ वन, ये वन। और इसमें अपन को जो अपना लेफ्ट वाला पैर है उसको यहां से जंप करते हो, ऐसे रखना है, जंप करना है बस, कुछ नहीं करना। राइट वाला पैर चलेगा वन टू, फिर यहां से सेम वैसे अपना लेफ्ट वाला पैर इधर घूमेगा और राइट वाला पैर जंप के साथ आएगा, ठीक है। फाइव वन टू थ्री फोर, हाँ हैंड को कैसे भी यूज कर सकते हो, वन एंड टू थ्री एंड फोर फाइव एंड सिक्स सेवन एट, बहुत ही सिंपल है भाई। मैंने जो आज आपको ये सारी स्टेप्स बताई है इनका यूज अपन डांस में कैसे भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उसमें आपको बाद में बताऊंगा, पहले आपको इन सभी स्टेप की लर्निंग करनी है। तो भाई बहुत ही सिंपल है, आप सीख सकते हो आसानी से अगर आप चाहो तो। इसी के साथ अपन, तो गाइज आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अपन मिलते हैं नेक्स्ट डे भाई, नेक्स्ट डे भी मैं ऐसे बताऊंगा आपको बेसिक स्टेप्स, और धीरे धीरे अपन इन स्टेप्स को हार्ड करते जाएंगे जिससे आप कुछ सीखते जाना। और भी मैं बताऊंगा आपको इन स्टेप्स को सॉन्ग में कैसे यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, तो आप जैसे जैसे सीखते जाओगे वैसे उसमें आपको जानकारी देता जाऊंगा। इसके साथ अपन मिलते हैं कल या फिर नेक्स्ट डे कभी भी, पर मिलते जरूर है भाई। इसी के साथ बाय 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 बा